हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विरद आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, बड़ी अच्छी खुशखबरी आप लोगों के सामने है। वे लोग जिन्होंने बीईओ की परीक्षा 2019 बीईओ 2019 की परीक्षा 2020 में दी थी, उनका अब रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट भी काफी जल्दी आया है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और इसकी कोई मतलब ऐसे पहले से कोई सुगाहट भी नहीं थी कि आज ये रिजल्ट आने वाला है। बड़ी तेजी से रिजल्ट आया है। और बहरहाल, जो भी रिजल्ट आया है, जितने भी विद्यार्थी अभ्यर्थी परीक्षार्थी इसमें सफल हुए हैं, उन सब लोगों को ढेर सारी सिलेक्शन मेंटर की तरफ से शुभकामनाएं। और परिणाम को कैसे, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है कि सर रिजल्ट कहाँ से देखें। रिजल्ट कई जगहों पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, ऑथेंटिक इसलिए नहीं है, वो ये कह रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है। तो वेबसाइट पे दिख रहा है, मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। रिजल्ट वहां पर आया हुआ है, वो रिजल्ट कैसे देखना है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर तुरंत दिखाते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर सफल हैं, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने रिजल्ट के बारे में जरूर लिखिएगा कि आपने कितने सही किए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स थे। ठीक है, अपने मार्क्स की जानकारी आप जरूर दीजिएगा, जिससे कि कट ऑफ के बारे में यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो हम यहाँ पर बता सकें कि क्या आयोग ने ली होगी, क्योंकि आयोग ने कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में नीचे कट ऑफ के बारे में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने नंबर। सपोज दैट आपके 78 सही थे तो आप जरूर बताइएगा कि सर मेरे 78 सही थे, किसी के 70 सही थे। और कैटेगरी भी बताइएगा अपनी, कैटेगरी किस कैटेगरी में है आप और आपने कितने सही किए हैं, मतलब फाइनली कितने सही हैं माइनस मार्किंग के बाद, वो जरूर आप बताइएगा। ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कहां पर देखेंगे। सबसे पहले आयोग की वेबसाइट में जाएंगे। आयोग की वेबसाइट upsc.nic.in, इस पे जाकर के यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉलम बना हुआ है, इसमें कई सारे रिजल्ट दिए हुए हैं। यहां पर लोग देख रहे हैं और इनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि सर वेबसाइट पे तो अपडेट नहीं है। वेबसाइट पे अपडेट है, आप यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पे करोगे। क्लिक टू कंटिन्यू पे जब क्लिक करोगे तो ऊपर से सातवें नंबर पर जब आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम इन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019। तो इस पे आप क्लिक करोगे, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका नोटिस जो है इस तरीके से खुल करके आ जाएगा सामने आपके। ये नोटिस इस तरीके से ओपन होगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ये एक्सपेंड हो गया है। अब इस नोटिस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि कुल 5,28,313 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि उसमें केवल 2,34,000 लोग ही परीक्षा देने के लिए आए। 309 पदों के लिए परीक्षा होनी थी, जिसके लिए 4,591 लोग अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी सफल घोषित हुए उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत सफलता की बधाइयां सभी लोगों को, सभी सफल विद्यार्थियों को। और जब सभी जितने भी लोग सफल हुए हैं तो यहां पर आकर के इसको स्क्रोल करेंगे और स्क्रोल करके नीचे देखेंगे, आपको आराम से इसमें दिखाई दे जाएगा। ये रोल नंबर वाइज आपको यहां पर सारे रिजल्ट दिए गए हैं, तो रोल नंबर वाइज रिजल्ट आप अपने यहां पर चेक कर सकते हो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने भी रिजल्ट हैं आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी के सभी यहाँ पर रोल नंबर डालना है और अपने अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। कंट्रोल एफ करके भी आप चेक कर सकते हो सीधा आप अपने रोल नंबर को टाइप करके। तो भाई एक बार फिर से जितने भी सफल विद्यार्थी हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सिलेक्शन मेंटर की ओर से। और एक और बहुत बड़ी सूचना आप लोगों के लिए है कि यूपी बीईओ मेंस 2020 के लिए सिलेक्शन मेंटर निःशुल्क सफलता बैच चला रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं आ रहा है। आपको अगर इस बैच से जुड़ना है तो आपको इस नंबर पर 8953595687 पर अपना नाम लिखना है। नाम के आगे लिखना है बीईओ मेंस 2020। लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दें तो आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा और हर एक बैच की जो है वो लिंक प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको मेंस का पेपर भी सॉल्व करने का तरीका आपको बताया जाएगा। पूरी सारी जानकारी मैं आपको वहां पर दे दूंगा। सारे लोग वहां पर आइएगा, मेंस के बैच में जुड़ेंगे, मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा जैसे मेंस में पेपर आना है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सारी चीजें करेंगे उसमें। ठीक है, और ये बैच ऑलरेडी 1 सितंबर से चल रहा है। 1 सितंबर से ये बैच ऑलरेडी चल रहा है, अक्टूबर हो रहा है। बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं इसमें बीच में कंटिन्यू, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धीमे धीमे ही पढ़ाना था, एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये कि मेरी काफी ज्यादा तबीयत खराब रही, इस वजह से ये बैच ठीक नहीं था। तो अब आप लोगों के लिए बिल्कुल सही समय पर सही सारी चीजें आ चुकी हैं। 6 दिसंबर 2020 को इसका पेपर होना है, जिसके लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। आप हमारे बैच से जरूर जुड़ें और सभी लोग अपने परिणाम की जानकारी जरूर दें कमेंट सेक्शन में। मैं सभी लोगों का इंतजार करूंगा और सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। आशा करता हूं कि आप सब रिजल्ट देखेंगे तो आपका इसमें नाम होगा। इसी आशाओं के साथ सिलेक्शन मेंटर का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।